भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मुरादाबाद में आज यहां पर बहुप्रतीक्षित दशकों पूर्व जो मांग यहां के जनता जनार्दन ने की थी विश्वविद्यालय की, आज उसका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और साथ साथ मुरादाबाद के साथ साथ मिर्जापुर में भी दूसरे विश्वविद्यालय का शिलान्यास हम कर रहे हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। इन दोनों के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो मुरादाबाद में मेरे साथ में उपस्थित हैं इसी माटी के सपूत और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी। प्रदेश सरकार ने मेरे साथ मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, यहां के लोकप्रिय विधायक श्री रितेश गुप्ता जी, विधान परिषद सदस्य जयपाल सिंह बैस्त जी, हरि सिंह ढिल्लो जी, सतपाल सिंह सैनी जी, गोपाल अंजान जी, महापौर विनोद कुमार अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सैपाली सिंह चौहान जी, माननीय विधायक बड़ापुर श्री सुशांत सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, पूर्व सांसद श्री सर्वेश सिंह जी, जिला के अध्यक्ष श्री आकाश पाल जी, महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, और मिर्जापुर में वहां के समारोह में उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, वहां के स्थानीय हमारे माननीय विधायकगण श्री मिश्रा जी हैं, रमाशंकर पटेल जी हैं, अनुराग सिंह जी हैं, विनोद बिंद जी हैं, अन्य सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण, मुरादाबाद और मिर्जापुर में हमारे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुरादाबाद में विश्वविद्यालय के साथ ही 513 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। होली के पहले मुरादाबाद के बहनों और भाइयों के लिए मैं हृदय से बधाई का ये उपहार लेकर के हम लोग आए हैं। मैं और प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, यहाँ के विधायक जी, यहाँ के महापौर जी आए हैं, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और इसके साथ ही मां विंध्यवासिनी के धाम में भी मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी वहां केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, आशीष पटेल जी, रजनी तिवारी जी, हमारे वहां के माननीय विधायकगण, इन सबके द्वारा वहां पे संपन्न हो रहा है। मैं मिर्जापुर की भी जनता जनार्दन को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, यहां पर जो हम ये राज्य विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, यह यहां की आवश्यकता की दशकों पूर्व जो मांग थी, इसके लिए 50 एकड़ भूभाग हमने प्रदान किया है। दोनों विश्वविद्यालय के लिए पहले चरण में 180 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं, और इसके बाद सेकंड फेज में
इसको और विस्तार देकर के वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में हम लोग स्थापित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए हैं। और इसी के लिए आज हमें यहां की अपनी हस्तशिल्प के लिए, कारीगरी के लिए विख्यात मुरादाबाद में मुझे आना पड़ा है। मेरी आर्थिक इच्छा थी कि मैं मिर्जापुर में भी जाऊं, क्योंकि वहां मैं विंध्यवासिनी के धाम में आशीर्वाद भी मिलता और मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी अब तो लगभग लगभग बनने की ओर अंतिम चरण में चल रहा है। और अभी अप्रैल में, 9 अप्रैल से ही वासंतिक नवरात्रि का आयोजन भी होने जा रहा है। लाखों श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के धाम में आएंगे वहां पे मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इनके साथ ही मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण का संकल्प पत्र था कि हर कमिश्नरी में एक राज्य विश्वविद्यालय होगा, ये पूरा हो जा रहा है। मुरादाबाद और मिर्जापुर के साथ ही पूरा हो जा रहा है। कल ही हम लोगों ने, उच्च शिक्षा मंत्री जी मेरे साथ में थे, उच्च शिक्षा के राज्य मंत्री जी भी मेरे साथ में थी, बलरामपुर में भी हम लोगों ने देवीपाटन मंडल का एक विश्वविद्यालय का आधारशिला रखी है। आप सोचिए, हम विकास की बात करें और उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य की चर्चा न करें, ये तो मजाक होगा। पिछली सरकारें यही करती थी, उन्होंने सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था को बिगाड़ा, स्वास्थ्य की व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, व्यापारी और बेटी को सुरक्षित कर दिया, दंगे होने लग गए प्रदेश में, कर्फ्यू, दंगा, इसने ऐसा घेरा कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ। व्यापारी और उद्यमी अपना उद्योग छोड़ छोड़ करके भागने लग गया, विकास के कार्यों में भाई भतीजावाद हावी हो गया, अराजकता का तांडव छाने लग गया। और देखते ही देखते अनलिमिटेड पोटेंशियल का यह प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया। यहां का नौजवान कहीं जाता था अपनी पहचान छुपाता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जहां देश ने विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की, दुनिया में सम्मान बढ़ाया है, सुरक्षा का बेहतर माहौल देश के अंदर दिया है, नए निवेश और नए डेस्टिनेशन के रूप में भारत हरेक क्षेत्र में उभरा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, कहीं एम्स, कहीं IIT, कहीं IIM, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, वाटरवे, इन सब का निर्माण का कार्य हो रहा है। 6 लेन 4 लेन के हाईवे भी बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहे हैं, ये सभी कार्य जहां द्रुत गति से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के हर गरीब को मकान मिल जाए, सिर ढकने के लिए छत मिल जाए, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल जाए, हर गरीब को आयुष्मान सुविधा का लाभ मिल जाए, हर निराश्रित महिला को निराश्रित महिला पेंशन, हर वृद्धजन को जो निराश्रित है उसको वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल जाए, बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह तक की व्यवस्था में सरकार भी सहभागी बनेगी। क्योंकि बेटी केवल परिवार की नहीं होती, पहले जो गांव में बोला जाता था ना, गांव की बेटी, यानी गांव की बेटी सबकी बेटी मानी जाती थी, गांव की बहन सबकी बहन मानी जाती थी, वह भाव आज सरकार पैदा कर रही है। डबल इंजन की सरकार इस भाव को पैदा कर रही है और उसी भाव के साथ आज हम सब यहां पर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। बहनों भाइयों, शिक्षा के लिए हमारा संकल्प था हर कमिश्नरी में एक हम लोग विश्वविद्यालय बनाएंगे, लेकिन साथ साथ निजी विश्वविद्यालयों को भी प्रोत्साहित करेंगे, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे,
और मुझे प्रसन्नता है 22 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय अब तक प्रदेश के अंदर बनाए गए, एक पॉलिसी बना करके क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उस प्रकार का पठन पाठन का बेहतरीन माहौल मिल सके इसके लिए भी कार्य किया गया। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना को भी साकार करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। कोई सोचता था बिजनौर में मेडिकल कॉलेज बनेगा, आज बिजनौर में महात्मा विदुर के नाम पे मेडिकल कॉलेज बन चुका है, संबल में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अमरोहा मेडिकल कॉलेज बनने की ओर अग्रसर है, हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार ये केवल सपने दिखाती नहीं है, यह हकीकत बुनती है। और इसीलिए मैं देख रहा था यहां ये होल्डिंग कि मोदी जी केवल सपने नहीं देते, वे हकीकत बुनते हैं। और इसीलिए तो जनता जनार्दन बार बार मोदी जी को चुनती है, बार बार चुनती है, इसीलिए चुनती है, क्योंकि हकीकत पर जो जमीनी धरातल पर है। अभी इससे पहले हम लोग यहां पे पुलिस एकेडमी में 8000 से अधिक सब इंस्पेक्टर को पासिंग आउट परेड के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा उन्हें बनाया गया। आप सोचो ये 8000 पुलिस सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश का ही युवा है और आज वह पुलिस इंस्पेक्टर बनकर के उत्तर प्रदेश पुलिस बल में अपनी सेवा देने के लिए समर्पित हुआ है। आज उसका प्रशिक्षण संपन्न हुआ है, अगले एक सप्ताह के अंदर वह हर थाने में उनकी ड्यूटी लग जाएगी, हर एक जनपद में उनकी नियुक्तियां प्रारंभ नियुक्ति होकर के वे कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। बहनों और भाइयों, सरकार की जब नियत साफ होती है तो लोक कल्याण की बात करती है, जनता जनार्दन की बात करती है, विकास की बात करती है, रोजगार की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है। और डबल इंजन की सरकार यही तो कार्य कर रही है, यहां पे विश्वविद्यालय बिजनौर में मेडिकल कॉलेज, संबल के लिए भी मेडिकल कॉलेज। हमारा परमेश्वर सैनी वहां से आए हैं, संबल से लगातार बोलते थे। कुंवर सर्वेश सिंह दिखते तो बाघ की तरह हैं, लेकिन बार बार कहते थे, मैं उनसे बहुत बार कहता था, मैंने कहा भाई आपको शिक्षा से क्या मतलब है, लेकिन गाने नहीं होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने प्रदेश अध्यक्ष को और यहां के विधायक रितेश गुप्ता को, विश्वविद्यालय जब तक बन नहीं गया और प्रदेश अध्यक्ष जी की उन प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें सुझाव दिया विश्वविद्यालय का नामकरण भी हो जाना चाहिए और विश्वविद्यालय का नामकरण गुरु जम्बेश्वर के नाम पर हम लोग करने की घोषणा भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये विश्वविद्यालय मुरादाबाद की हस्तशिल्प को भी एक नई पहचान देगा। आज यहां पर ब्रास का जो काम हुआ है वर्ल्ड क्लास काम हो रहा है, एक्सपोर्ट का एक नया सेंटर बना है, 16,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले मुरादाबाद कर रहा है, उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से दे रहा है। यह हमारे हस्तशिल्प का हुनर है जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है तो हमें अपने हस्तशिल्प और कारीगर को आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपने उद्यमियों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, अपने युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, उस प्रकार का प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। यह विश्वविद्यालय उस आधारशिला के लिए आपको उपहार के रूप में होली के पहले उपलब्ध कराया जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये श्री का परिणाम है। आज पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, एक ही आवाज आ रही है, एक ही संकल्प के साथ हम आगे बढ़े थे मोदी जी के नेतृत्व में, और वह संकल्प है मोदी जी का विकसित भारत का। हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प। और विकसित भारत के लिए क्या चाहिए? विकसित उत्तर प्रदेश चाहिए, और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित मुरादाबाद चाहिए, विकसित मिर्जापुर चाहिए, और विकसित मुरादाबाद और विकसित
मिर्जापुर के लिए शिक्षा, अच्छी शिक्षा चाहिए और अच्छी शिक्षा का केंद्र बनेगा हमारा ये विश्वविद्यालय। ये नए विश्वविद्यालय बनेंगे, अच्छे स्वास्थ्य के केंद्र बनेंगे, मेडिकल कॉलेज हमारे स्वास्थ्य के केंद्र। शासन की जो नीतियां हैं आज हर एक जनपद में उसके माध्यम से निवेश आ रहा है। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी 19 फरवरी को संबल में आए थे और संबल में कल्कि धाम का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया तो लखनऊ जाकर के 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों का शिलान्यास भी किया। 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का मतलब 35 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी, यही है मोदी की गारंटी। हम रोजगार भी दे रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं। मुरादाबाद का एयरपोर्ट भी प्रारंभ हो चुका है, बधाई आपको, यहां पे वायु सेवा के साथ आप जुड़ चुके हैं, हम लोग वहीं पे लैंड किए हैं अभी। यानी मुरादाबाद अब एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुका है। यहां पर मुरादाबाद के पास अपने हाईवे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे कुछ ही दूरी पर यहां से जा रहा है, प्रयागराज की दूरी को न्यूनतम करने में मदद करेगा, राजधानी प्रदेश की राजधानी की दूरी को कम करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। एक और यह कार्य हो रहा है, युवा के लिए आजीविका है तो अन्य लोगों की आस्था का भी सम्मान हो रहा है। आप मुझे बताओ, पिछली सरकारें कर्फ्यू लगाती थी, हमने कर्फ्यू नहीं लगाया, हमने तो कावड़ यात्रा चलवाई है, यही अंतर होता है। वे कर्फ्यू लगाते थे, हम कावड़ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। वे आजीविका पर डकैती डालते थे, हमने युवा को आजीविका भी दी। अभी 8,000 सब इंस्पेक्टर को उनकी पासिंग आउट परेड के माध्यम से हम लोगों ने आज उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाए। सभी नौजवान उत्तर प्रदेश के हैं जो आज पुलिस सब इंस्पेक्टर बने हैं, उनकी आजीविका की पुख्ता व्यवस्था भी की है। तो 5 सदी का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में प्रभु रामलला को विराजमान कराने का काम भी किया है डब्ल्यूडब्ल्यू सरकार ने। बहनों और भाइयों, यहां लोक कल्याण के लिए फ्री का राशन भी है, गरीब के लिए मकान भी है, तो साथ साथ पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से हस्तशिल्प अकेले उनकी हुनर के लिए प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाया गया है। और यही डबल इंजन की सरकार है और ये पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के साथ एक कार्य चल रहे हैं और इसलिए पूरे देश से एक आवाज आ रही है, एक ही स्वर है पूरे देश में कि 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है। आप इस स्वर के साथ सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं। मिर्जापुर के लोग भी सहमत हैं। अगर सभी लोग सहमत हैं तो मैं दोनों जनपदों को, दोनों कमिश्नरी को, मुरादाबाद कमिश्नरी को भी, मिर्जापुर कमिश्नरी को भी विश्वविद्यालय की सौगात के लिए, उपहार के लिए, होलीपुर उपहार के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आपका आह्वान करता हूं, डबल इंजन की सरकार सुरक्षा भी देगी तो समृद्धि भी देगी। डबल इंजन की सरकार जो बोलेगी वह करके दिखाएगी और डबल इंजन की सरकार के इस अभियान के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं, आप सबका आशीर्वाद। फिर से डबल इंजन सरकार की स्पीड को और तेजी से बढ़ाने के लिए प्राप्त होता रहे इस विश्वास के साथ मैं आज के उस अवसर पर आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।